अब तो आप सभी को पता चल चुका होगा कि यहाँ पे ट्राई के आदेश के बाद सभी टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपने 30 और 31 दिनों वाले प्लान को लॉन्च कर दिया है। तो अब 30 और 31 दिनों वाला प्लान तो आ गया है, लेकिन अब यहाँ पे सिम पोर्ट ऑफर में भी कुछ बदलाव हो चुके हैं और जियो में एक काफ़ी ख़तरनाक सी चीज़ हुई है, मतलब अच्छा चीज़ हुआ है, तो उसके बारे में हम वीडियो के एंड तक बात करेंगे। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी आपका सिम कार्ड क्या फ्री में पोर्ट होगा या फिर नहीं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप अपने जियो, एयरटेल या फिर वी के नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो इस टाइम पे ऑफर चल रहा है वो है 249 वाला प्लान, यानी कि जो चीज़ें यहाँ पे 249 वाले प्लान में मिलती हैं वही यहाँ पे सिम पोर्ट में भी बेनिफिट मिलेगा। अब क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 249 वाले प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS डेली मिलता है, 2 GB का डेली डेटा मिलता है और यहाँ पे 45 डेज की वैलिडिटी आपको इस वाले प्लान में मिल जाती है। तो अगर आप अपने जियो, एयरटेल या फिर वी के नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट करते हैं तो आपको यही सेम बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सिम आपका फ्री में पोर्ट होगा कि पैसे लगेंगे, तो हमारे लोकेलिटी में यहाँ पे 100 रुपये लिया जा रहा है और ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं अगर हम अपने जियो, एयरटेल या फिर वी के नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट करते हैं। बाकी आप अपने वहाँ चेक कर लेना, बीएसएनएल के एजेंट होंगे या फिर बीएसएनएल के ऑफिस में आप जाके पता लगा सकते हैं तो वहाँ पे कितना रुपये लिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आप पता कर लेना, उसके बाद कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो अब हम बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया वी के बारे में। अगर आप अपने एयरटेल, जियो या फिर बीएसएनएल के नंबर को वी में पोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस समय क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, यहाँ पे वी का एक प्लान आता है जो कि 299 रुपीज़ का है, जिसमें यहाँ पे 1.5 GB का डेली डेटा मिलता है, इसी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग होती है, 100 SMS भी आपको डेली बेसिस पे देखने के लिए मिलेगा पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ। तो यही वाला प्लान आपको मिल जाएगा जब भी आप अपने नंबर को पोर्ट करेंगे वी के अंदर, तो यही सेम बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई, अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारा नंबर वी में फ्री में पोर्ट हो जाएगा कि पैसे भी लगेंगे। तो अगर आपके नज़दीकी कोई वी के एजेंट हैं तो आप वहाँ से सिम पोर्ट करवा सकते हैं, वहाँ पर पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप किसी टेलीकॉम स्टोर पर जाते हैं या फिर टेलीकॉम शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर अपने नंबर को वी में पोर्ट करवाते हैं तो वो आपसे थोड़ा बहुत चार्ज करेंगे, 50 से 100 रुपए के आसपास यहाँ पे चार्जेस वो लेंगे। वहीं पे अगर हम एयरटेल की बात करें तो सिमिलर यही चीज़ें एयरटेल में भी हैं। एयरटेल में भी 299 वाला एक प्लान आता है, उसका ही सेम बेनिफिट आपको सिम पोर्ट में भी देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 1.5 GB का डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS मिलेगा, 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये वाला प्लान आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको सेम देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे पैसे की बात करें तो अगर आप एयरटेल के एजेंट से यहाँ पे सिम पोर्ट करवाते हैं जो यहाँ पे अम्ब्रेला लगा के बैठे रहते हैं तो वो आपका सिम कार्ड फ्री में पोर्ट कर देंगे, लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल शॉप पे जाएंगे तो वो आपसे 50 से 100 रुपए के आसपास चार्ज करेंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि जियो के बारे में, अगर आपके पास एयरटेल, वी या फिर बीएसएनएल का सिम कार्ड है, उसे आप जियो में यहाँ पे पोर्ट करना चाहते हैं तो जियो के अंदर जो ऑफर था वो बदल चुका है। जैसा कि आपको पता होगा कि भाई, जब ये ट्राई ने आदेश जारी किया था तो सबसे पहले जियो ने लॉन्च किया था प्लान अपना, और उसी प्लान को जियो ने एक FRC प्लान बना दिया है, यानी कि 259 रुपए का एक प्लान जियो ने लॉन्च किया था, तो वो प्लान इन्होंने FRC प्लान के तौर पे बना दिया है, जिसमें यहाँ पे 1 महीने की वैलिडिटी यानी कि पूरे 31 दिनों की वैलिडिटी या फिर 30 दिनों की वैलिडिटी हमें देखने के लिए मिलती है। तो इस प्लान में क्या क्या पूरा बेनिफिट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, 1.5 GB का डेली डेटा मिलेगा, 100 SMS भी मिलेगा और इसी के साथ 1 महीने की वैलिडिटी आपको इस प्लान की देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इस महीने के 5 तारीख को अपने नंबर को पोर्ट करवाते हैं और 5 तारीख को अगर चालू भी हो जाता है आपका नंबर, तो यहाँ पे अगले महीने के 5 तारीख को ही आपका ये जो रिचार्ज है जियो के नंबर में वो ख़त्म होगा। और यही सबसे अच्छी बात है इस प्लान की, जो कि ट्राई ने अभी सारा रूल लॉन्च किया है, मतलब आदेश जारी किया था, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो मेरे हिसाब से तो बीएसएनएल का पोर्ट ऑफर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको 15 दिनों की ज़्यादा वैलिडिटी मिलती है, लेकिन इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है तो वो 15 दिनों की वैलिडिटी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता है। तो ऐसे में यहाँ पे जियो का जो ऑफर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे आपको कौन सा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और भी कोई सवाल है तो कॉमेंट्स में बताना। बाकी आप ये भी बताना कि आपके वहाँ कितने रुपये में यहाँ पे सिम पोर्ट हो रहा है, और एक सवाल का जवाब और देना कि यहाँ पे आप किस ऑपरेटर में अपने नंबर को पोर्ट कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।